कहना चाहेंगे दिलीप पटेल जी, आप एक बाइक राइडर भी हैं और राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, बहुत बड़ी चीज़ है ये, तो क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ साथ में फिल्म भी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इतनी सारी खूबियां एक साथ, क्या कहना चाहेंगे? खूबियां तो नहीं कह सकते, बस एक ही वही है कि इधर भी जाना इधर भी आना है, वही एक थाली में चार चीज़ें चारों खाने की इच्छा है। तो बचपन से शौक था फिल्म मेकर बनना, और एक अच्छा फिल्म मेकर बनने के बाद में एक इच्छा थी मेरी कि मैं दुनिया घूमूँ, अलग अलग जगह जाऊँ, देखूँ कि कैसी संस्कृति है अपने यहाँ की, हर स्टेट किस तरीके से अपना रिप्रेजेंट करता है। तो एक प्लानिंग की थी 2015 में पहली बार, और अलग अलग देशों में गया बाइक से, भारत भूटान नेपाल तीन देशों में बाइक से घूमा अब तक, और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था मैंने 34,000 किलोमीटर बाइक चला के, जो कि हर कंट्री में गया मैं, वहाँ पे वहाँ की संस्कृति देखी किस तरीके से लोग रहते हैं, और एक कैंपेन टाइप से अलग अलग स्टेट और सिटी में जा जा के रह रहा था मैं। तो उस चीज़ के लिए मुझे 2017 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था दुनिया में सबसे ज़्यादा बाइक चलाने के लिए। बहुत बड़ी चीज़ होती है 34,000 किलोमीटर, बहुत आदमी 100 किलोमीटर में थकान फील करता है, तो कितनी इतनी हिम्मत कहाँ से जाए? जी थकान नहीं बोल सकते चीज़ को, कि ये था कि मन में एक जुनून होता है कि कुछ अलग करना है, और तो बस वही एक जुनून लेके चला जाता है साथ में, तो वो सोच थी साथ में कि कुछ अलग करना है अलग करना है। तो 100 किलोमीटर क्या थे, मैं हम 400 किलोमीटर रोज बाइक चलाते थे, एक था इस तरीके से। गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहा है? हाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया था, और आसाम गवर्नमेंट ने 2017 में मुझे सपोर्ट किया था। आसाम गवर्नमेंट के लिए, आसाम में सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है माँ कामाख्या का, 51 शक्तिपीठ है, उसमें से 4 आदिशक्तिपीठ है, तो माँ कामाख्या का मंदिर है आसाम गुवाहाटी में। तो आसाम गवर्नमेंट के लिए भी 2017 में वहाँ का ऑफिशियली ब्रांड प्रमोटर था, तो और 2016 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ब्रांड प्रमोटर था। तो इस तरीके की बाइक राइड और एक हिंदू धर्म संस्कृति का प्रचार मैं बाइक से जा जा के करता ही था। और आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट बॉलीवुड का मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जो बाइकर्स हूँ, और अलग अलग देशों में बाइक राइड कर रहा हूँ, और हाल ही में आपने सुना रहेगा कि माउंट एवरेस्ट पे भी इस बार मैं, माउंट एवरेस्ट काला पत्थर है वहाँ पे है 18,209 फीट पे, तो काला पत्थर हिल पे भी वहाँ पे मैं तिरंगा लहरा के आया था। तो फर्स्ट पर्सन हूँ मैं बॉलीवुड से जो इस तरीके की हरकतें भी कभी कभार कर लेता हूँ। मैं बेसिकली अभी बॉलीवुड में भी आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से यहाँ कैसा सफ़र रहा? क्या सफ़र ऐसा था कि मैंने स्टार्ट 2008 में किया था, मैं पहले फोटोग्राफी कर रहा था, फिर जो DOP में आ गया, फिर डायरेक्शन लाइन में आ गया, और अभी हाल ही में मैं AP हूँ और प्रोडक्शन मैनेजर हूँ आर्या फिल्म्स में। तो एक वो सफ़र कुछ इस तरीके का था कि बीच में 2 साल में, मतलब साल में 10 महीने काम करता हूँ, और साल के 2 महीने में खुद की लाइफ को देता हूँ कि दुनिया घूम लूँ, क्योंकि काम तो करना ही है हमेशा वही, नहीं तो फिर आपकी ज़िंदगी वही हो जाती है 24 घंटे की, सोना फिर खुद काम करना। तो एक लाइफ है, एक आप दुनिया घूमो, आपको वही आप जैसे मैं तो फिल्मी हूँ, फिल्मी नाम ही लूँगा, ज़िंदगी ना मिले दोबारा।